पूर्वांचल में दबदबा बनाने के लिए अखिलेश की नई चाल, बीजेपी की हुई आंखें लाल, हो गई हैरान। अखिलेश के करीब वो रफ्तार के साथ आ रहे हैं, दोस्ती का हाथ मिलाकर संदेश के लिए हो रहे तैयार। अंसारी बंधुओं पर अखिलेश का बढ़ गया विश्वास, ये अगर अखिलेश के साथ आए तो पूर्वांचल की इतनी सीटों पर पड़ेगा असर। ये तस्वीर सहयोग नहीं बल्कि उस पुराने रिश्ते को मजबूत करने की कवायद है जो साल 2017 में टूट गया था। लेकिन 2017 के बाद ही यूपी में इस तरह से सियासत बदली कि 24 आते ही अब देर से ही सही दुरुस्त फैसला तो लेना ही था, अखिलेश ने ले लिया। ये तस्वीर वैसे तो अफजाल अंसारी के परिवार की बेटी की शादी की है। राजधानी लखनऊ के एक प्राइवेट होटल में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की सबसे छोटी बेटी नूरिया अंसारी का शादी समारोह उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये शादी समारोह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए समीकरण की इबारत गढ़ रहा है। बीएसपी के सांसद के घर शादी में खुद बीएसपी प्रमुख मायावती नहीं पहुंची, पर उनके धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लाल लश्कर के साथ पहुंचे। अखिलेश के साथ न सिर्फ उनके महासचिव शिवपाल यादव थे बल्कि पार्टी के कई विधायक और नेताओं ने भी हिस्सा लिया। अब बीजेपी के लिए शादी समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का शामिल होना टेंशन देने लायक है या नहीं। अगर अंसारी परिवार खुले तौर पर अखिलेश के साथ आ जाते हैं तो पूर्वांचल की कितनी सीटों पर अखिलेश की सपा के लिए जीत का रास्ता तैयार होगा। अंसारी परिवार का करीब 3 दशक से पूर्वांचल के कई जिलों में तूती बोलती रही। हालांकि देखने लायक बात यह है कि अफजाल अंसारी की राजनीतिक यात्रा अपने कुख्यात भाई से अलग रही है, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं, मुख्तार के उत्थान के बाद पूरा परिवार उसकी छाया में ही पल रहा था और तब तक रहा जब तक कि योगी सरकार नहीं बनी। बीजेपी की सरकार आते ही मुख्तार अंसारी के बुरे दिन आ गए। योगी सरकार ने स्टेप बाई स्टेप पूरे गैंग को तहस नहस कर दिया। मुख्तार की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर यूपी सरकार ने कब्जे ले लिए। अंसारी परिवार की अवैध कमाई को खत्म कर परिवार के रुतबे की कमर तोड़ दी। मुख्तार अंसारी कई मामलों में दोषी भी करार दिए जा चुके हैं। अब सवाल यह है क्या वाकई में अंसारी परिवार के नजदीक जाने से अखिलेश को फायदा मिलेगा। दरअसल साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों के समय मुख्तार अंसारी खुद तो बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन चाहते थे कि कम से कम अफजाल अंसारी और सिबकतुल्लाह को समाजवादी पार्टी अपनी सदस्यता दे दे। लेकिन तब अखिलेश यादव अपने पिता के पद चिन्हों पर न चलकर एक अलग तरह की समाजवादी पार्टी बनाना चाहते थे। तब अंसारी परिवार से भी अखिलेश ने दूरी बना ली। अखिलेश यादव उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम होते थे। इसके बाद 2022 में अखिलेश ने पार्टी को माफिया नेताओं से दूरी बनाए रखने में थोड़ी बहुत ढील जरूर दी, पर एक निश्चित दूरी बनाए रखी। हालांकि अंसारी बंधुओं की अभी सपा में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, लेकिन सियासी जानकार मानकर चल रहे हैं कि अफजाल को गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। दावा किया जा रहा है अखिलेश को अंसारी परिवार को साथ लाने से आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर की सीटों पर निश्चित फायदा हो सकता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की छवि पूर्वांचल में पहले रॉबिन हुड वाली रही जो गरीबों की मदद करता रहा भले ही अमीरों से वसूली करता हो। मुख्तार अंसारी की लोकप्रियता मुसलमानों में ही नहीं हिंदुओं में भी रही, लेकिन सवाल यह है क्या वाकई में अब अंसारी परिवार की हैसियत पुरानी जैसी है। मुख्तार और अफजाल दोनों भाइयों की सांसदी और विधायकी भी जा चुकी है। बीजेपी सरकार में मुख्तार परिवार की काली कमाई का पर्दाफाश ही नहीं बल्कि उन स्रोतों को भी तहस नहस किया जा चुका है। योगी सरकार के मजबूत रहने के चलते अब बहुत से लोगों ने अंसारी परिवार से दूरी भी बना ली। अब सिर्फ इस परिवार के साथ हमदर्दी वाले ही वोट रह गए, वो भी सिर्फ मऊ, मोहम्मदाबाद और गाजीपुर के कुछ इलाकों के मुस्लिम वोटरों के बारे में ही ऐसा कह सकते हैं। गाजीपुर, मऊ, घोसी और वाराणसी में राजभर वोट किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहे। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चुनावों के दौरान अखिलेश यादव के साथ थे। यही कारण रहा कि बीजेपी का मऊ, घोसी और गाजीपुर में सुपड़ा साफ हो गया। सुभाषपा के सिम्बल पर चुनाव जीते मुख्तार के बेटे अब्बास को ओम प्रकाश राजभर ने सपा विधायक बता दिया, यानी कि ओपी राजभर ने अपना रास्ता बिल्कुल साफ कर लिया है। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में जाने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी का सहारा बन सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही घोसी उपचुनाव में दारा बीजेपी के साथ थे, पर अंसारी भाई खुलकर समाजवादी पार्टी के साथ थे। नतीजा यही रहा कि बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अंसारी परिवार का घोसी, वाराणसी और गाजीपुर की लोकसभा सीटों पर दबदबा रहा है। 2009 में वाराणसी सीट पर मुख्तार अंसारी को 1.85 लाख वोट मिले थे। मुख्तार 2014 में घोसी लोकसभा सीट से 1.66 लाख वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर थे। अफजाल गाजीपुर सीट से 2004 से 2009 तक सांसद रह चुके हैं। 2019 में उन्होंने मोदी सरकार में मंत्री रहे मनोज सिन्हा को चुनाव हराया था। मुख्तार परिवार की सीट मोहम्मदाबाद बलिया लोकसभा के अंदर है, इसलिए इस सीट पर भी अंसारी परिवार का बेनिफिट समाजवादी पार्टी को मिल सकता है।